और अब खबर अलीगढ़ से, जहां गणेश प्रतिमा स्थापित करने के बाद वाली रूबी खान को कट्टरपंथियों ने जिंदा जला देने की धमकी दी है। पिछले दिनों गणेश प्रतिमा स्थापित कर मौलानाओं के निशाने पर आई भारतीय जनता पार्टी की जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान के खिलाफ उन्हीं की गली में और घर के बाहर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में ये लिखा गया है कि रूबी आसिफ खान काफिर बन गई है, पूजा करती है, हवन करती है, वंदे मातरम कहती है और इसे इस्लाम से खारिज कर दो, परिवार समेत जिंदा जला दो। पड़ोसियों ने बताया कि हम लोग सुबह 5:30 बजे उठे थे तो हमने तुम्हारे दरवाजे पे पोस्टर लगे देखे और पूरी गली में पोस्टर लग रहे थे और एक दरवाजे के नीचे देखा था तो हमने डर के मारे कुछ पोस्टर हटा दिए और ये लगे हुए हैं। हम लोग उठने के बाद में फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, यानी अपने कुछ संगठन के लोगों को फ़ोन किया तो उन्होंने पोस्टर यहाँ पाए और बरामद हुए। ये पिछले 2 साल से चल रहा है। जब मैंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की थी उस टाइम भी मेरे पोस्टर लगा दिए गए थे। इस्लाम से खारिज करने की मुझे धमकियां पहले भी मिली थी। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, 3 महीने के लिए बढ़ाई गई मुफ्त अनाज योजना। मुफ्त अनाज योजना दिसंबर तक जारी रहेगी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया, तो ये बड़ा फैसला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।